श्री कृष्ण की आराधना के साथ ग्राम जोहली में सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। कटनी हिंदू नववर्ष के अवसर पर ग्राम जोहली में सार्वजनिक श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन, कलश यात्रा निकालकर किया का शुभारंभ। भगवान श्री कृष्ण की श्रीराम और जय श्री कृष्ण के नारों से गगन गुंजायमान कर दिया। आस्था और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पालकी और श्रीमद् भागवत पुराण को अपने सिर पर रख कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं और युवतियों के साथ ग्रामीण जन सम्मिलित हुए। कथावाचक आचार्य वेद प्रकाश शुक्ल जी ने बताया कि ईश्वर की भक्ति आस्था और विश्वास के साथ की जाती है। भक्ति का अपने भगवान पर असीम प्रेम और अकाट्य विश्वास के चलते ईश्वर भी भक्ति की डोर में बंधे चले आते हों। आज सार्वजनिक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन का प्रथम दिन बैठकी का है। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर उसका अनुसरण करना चाहिए। गांव भ्रमण कर गाए भजन और लगाए नारे, सार्वजनिक संगीत में यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा की बैठकी का उत्सव गांव में भगवान श्री कृष्ण का भव्य जुलूस निकाल कर किया गया। इस दौरान भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के नारे लगाए और भजन गाया। कटनी संवाददाता हीरा विश्वकर्मा। कोई